ड्रीम गर्ल को प्रमोट करते हुए आयुष्मान हुए हमारे E24 के कैमरा में कैप्चर। आयुष्मान ग्रीन जैकेट में काफी डैशिंग लग रहे थे। वैसे आपको बता दें, बीती रात आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। वहाँ फिल्म के स्टार कास्ट के साथ साथ बॉलीवुड के सितारे भी पहुँचे थे। मूवी में आयुष्मान खुराना के साथ साथ नुसरत भरूचा भी लीड रोल में नजर आने वाली है। फिल्म सिनेमा घरों में शुक्रवार को रिलीज की जाएगी। ड्रीम गर्ल की स्क्रीनिंग में आयुष्मान अपनी वाइफ ताहिरा और बेटे विराज वीर खुराना के साथ पहुंचे। तो वहीं एक्ट्रेस नुसरत भरूचा स्क्रीनिंग में स्टनिंग अंदाज में पहुंची। नुसरत ऑफ व्हाइट आउटफिट में बेहद ही एलिगेंट लुक दे रही थी। ड्रीम गर्ल नुसरत की आयुष्मान खुराना संग पहली मूवी है। दोनों ही स्टार्स पिछले कुछ समय से फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। दोनों ही स्टार्स इस दौरान कई टीवी शोज में गए थे, साथ ही साथ E24 पर भी पहुंचे थे अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इस दौरान आयुष्मान और नुसरत ने हमसे की थी खास बातचीत, फिल्म को लेकर खोले थे कई राज। वैसे आपको बता दें, ड्रीम गर्ल की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान यहां एक्ट्रेस सुप्रीन चावला, टीवी एक्टर रवि दुबे, आयुष्मान खुराना के भाई अपार शक्ति खुराना स्क्रीनिंग में अपनी पत्नी आकृति खुराना संग पहुंचे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ मीडिया को कई पोज भी दिए। एक्टर मंजोत सिंह फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना के बेस्ट फ्रेंड बने हैं। हमारे कैमरामैन ने एक्टर मंजोत सिंह को भी स्पॉट किया। मंजोत सिंह फिल्म ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना के बेस्ट फ्रेंड बने हैं। इससे पहले मंजोत कई कॉमिक मूवीज में नजर आ चुके हैं। मंजोत यहाँ पंजाबी लुक में रॉक करते नजर आए। इनके साथ साथ डायरेक्टर शशांक खतान स्क्रीनिंग में पत्नी नलिनी के साथ पहुंचे। दंगल गर्ल फातिमा शेख यहाँ ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। बता दें, उनकी पिछली रिलीज थग्स ऑफ हिंदुस्तान थी। तो वही उनकी ऑन स्क्रीन बहन सानिया मल्होत्रा भी स्क्रीनिंग में नजर आई। वह आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म बधाइयों में काम कर चुकी है। टीवी एक्टर शरद केलकर भी यहाँ फिल्म की स्टार कास्ट को सपोर्ट करते नजर आए। ओवरऑल स्क्रीनिंग रही बेहद खास। स्टार्स की मौजूदगी ने इवेंट को बनाया और भी शानदार।